हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुडफील में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी, एक नया टेस्ट और एक नई खुशबू लेकर। तो शुरू करती हूँ आज की रेसिपी। और आज मैं सोच रही हूँ कि बहुत हो गया चटपटा चटपटा, स्पाइसी स्पाइसी, तो आज मैं आपके लिए कुछ बनाने वाली हूँ मीठा मीठा, स्वीट स्वीट। तो सोच रही थी कि आज मैं आपको स्वीट के नाम पर एक खीर बनाकर दिखाऊंगी कि खीर बहुत ही टेस्टी लगती है और जब आप इस खीर को खाएंगे तो बस यूं ही खो जाएंगे। तो ठीक है, तो मैंने लिए हैं ये कुछ कॉर्न भुट्टा लिए हैं, ये दो मैंने भुट्टे लिए हैं बिल्कुल ताजे ताजे। और मैं सबसे पहले अपने भुट्टों को वॉश कर लेती हूँ। तो सबसे पहले अपने भुट्टों को मैं कर लेती हूँ वॉश रगड़ रगड़ के। ओके, तो उन्होंने कर लिया है भुट्टों ने स्नान, तो भुट्टों ने स्नान कर लिया है। इसके बाद में हम चलते हैं अपने गैस की तरफ। तो भुट्टों को हमने वॉश कर लिया है, तो भुट्टे हमारे एकदम रेडी हैं। और इधर मैंने खीर बनाने के लिए क्या क्या लिया है आपको दिखा देती हूँ। ये लिया है मैंने एक बाउल शुगर लिया है, और ये लिए हैं मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स, आलमंड और काजू को मैंने काट लिया है, और पिस्ता लिए हैं, कुछ आलमंड लिए हैं। तो ये है मेरे ड्राई फ्रूट्स, ये ऑप्शनल है, आप इनको खाते हैं तो डालें, नहीं खाते हैं तो ना डालें, लेकिन इनको डालने से भी एक अलग बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खीर में। और ये लिए है मैंने कुछ केसर के धागे, केसर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है खीर में। और ये लिया है मैंने कुछ 2 चम्मच घी लिया है ये अपने मकई के पेस्ट को भूनने के लिए। और ये लिया है मैंने इलायची, जी 8-10 इलायची, हरा इलायची जिसको मैंने छील के बारीक कूट लिया है। और ये लिया है मैंने हाफ के जी दूध लिया है, ये फुल मिल्क है। और मैं आज आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले अपने जो मेरे भुट्टे हैं इनको हम ग्रेट कर लेते हैं। तो मैंने ले ली है एक प्लेट, प्लेट में रख लिया है अपना कद्दूकस, और कद्दूकस से मैं अपने भुट्टों को कद्दूकस कर लेती हूँ। और जो इसके ऊपर वाले दाने हैं मुझे सिर्फ यहाँ तक ही इसे कद्दूकस करना है, जो अगला नीचे वाला जो हार्ड पार्ट होता है उसको बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं धीरे धीरे इनके दानों को इस तरह से ग्रेट कर लेती हूँ, ये आपको दिखा देती हूँ। और जब इनका हार्ड वाला पार्ट आ जाएगा तो मैं इसको इधर से यूं मोड़ लूंगी। इस तरह से मैं अपने भुट्टों को कद्दूकस कर लेती हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से इजली निकल रहा है। और इस तरह से मैंने अपने एक भुट्टे को अच्छी तरह से कस लिया है, आपको दिखाती हूँ अलट पलट के। जहाँ आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं बचे हैं, जो इसके अंदर वाला हार्ड पार्ट था उसे जब खत्म हो जाए, जब आपके दाने खत्म हो जाए तो उसे चेंज करते करके आप सारे दानों को कद्दूकस कर लीजिए। तो मैंने एक कर लिया है अपना, और मैं अपना नेक्स्ट भी कर लेती हूँ। इसी तरह से आपको आराम आराम से जब आपके दाने खत्म हो जाए तब आप उसको चेंज कर लीजिए। इस तरह से आपको अलट पलट के इसे कद्दूकस कर लेना है आराम से। और इस तरह मैंने अपने दोनों भुट्टे कस के कर लिए हैं रेडी, और आपको दिखाती हूँ एकदम ताजा भुट्टा है ये। और देखिए आपको दिखाती हूँ एकदम जिसके दूधिया कलर्स का लगा निकला हुआ है इसमें से, और बहुत ही सॉफ्ट इसका बन रहा है, कद्दूकस होके आ रहा है नीचे से। और देखिए इस तरह से मैंने इसे कर लिया है एकदम, इसमें अब कोई भी बीज नहीं बचे हैं, इसका हार्ड वाला पार्ट बचा है। तो मेरा ये हो चुका है एकदम रेडी। तो मैंने अपने भुट्टों को कद्दूकस कर लिया है, तो मैं इनको पहले फ्राई करूंगी हल्का सा घी में। तो अपने भुट्टे का जो हमारा पेस्ट है इसको मैं हम फ्राई करते हैं पहले। तो मैंने अपना फ्लेम चालू कर दिया है, और इस पर रख दिया है मैंने अपना बर्तन रख दिया है। और इस बर्तन में मैं 1 चम्मच घी डालूंगी, 1 चम्मच घी डाल दिया है। और घी डालने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा मेल्ट हो जाने दूंगी पहले। तो घी मेरा मेल्ट हो रहा है, तो मैं अपना ये मकई इसमें डाल लेती हूँ, और इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर धीरे 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 आपको करीब 5 मिनट तक इसको लगातार भूनना है, जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। और फ्लेम का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको फ्लेम अपना बिल्कुल स्लो रखना है, और धीरे धीरे इसको आराम से भूनना है जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने जाए पकने वाली। तो मैं इसे लगातार कंटिन्यू चलाते हुए इसको भून लेती हूँ जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता है गोल्डन। तो इसे लगातार चलाते रहिए, आपको रोकना नहीं है बीच में, क्योंकि मेरा ये कढ़ाई मेरी नॉन स्टिक नहीं है। अगर आप नॉन स्टिक में से भून रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वैसे भून रहे हैं तो ये मकई का जो पेस्ट होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, ये बहुत जल्दी लग जाता है तले में। तो आप उसको लगातार ऐसे ही लगातार चलाते रहिए, वरना ये चिपक सकता है। तो इस तरह से मैं इसे कंटिन्यू चला रही हूँ, और बिल्कुल मैंने अपना मीडियम बिल्कुल स्लो फ्लेम कर रखा है अपना। ओके, तो देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है, हल्का हल्का गोल्डन आ रहा है, और मैं थोड़ा सा पकाऊंगी 2 मिनट और। अभी तो हो गए हैं 5-6 मिनट, और आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा ये मकई का एकदम पेस्ट एकदम खिला खिला हो गया है, और कलर एकदम चेंज हो गया है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, एकदम खिला खिला।
और एकदम अच्छी खुशबू आ रही है घी की इसमें से भुनने की, तो मैं इसे कर लेती हूँ, इसे एक साइड में रख देती हूँ और अपना आप दूध गर्म करूंगी, आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है एकदम, तो अपना फ्लेम कर देती हूँ बंद और इसे कर देती हूँ दूसरी गैस पर ट्रांसफर। और अब मैं अपना एक रखती हूँ भगोना, और अपना फ्लेम मैंने चालू कर दिया है, भगोना रख दिया है, और भगोने में अपना ये 1/2 kg दूध में डाल देती हूँ। और ये फुल क्रीम दूध है, इसमें मलाई ऊपर आई हुई है क्योंकि मैंने इसे फ्रिज में लगा दिया था। तो अब मैं इसको पहले बॉईल होने का वेट करती हूँ, और जब तक मेरा दूध बॉईल होता है तब तक मैं अपने ड्राई फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। तो काजू को तो मैं पहले से ही कट कर लिया है, और अपने आलमंड लंबे लंबे पीसेस में मैं कट कर लूंगी। एक आलमंड के करीब आपको 8-10 पीसेस करने हैं, और इस तरह से दिखा देती हूँ लंबे पीसेस में इस तरह से। तो मैं अपने ड्राई फ्रूट्स काट लेती हूँ जब तक दूध मेरा बॉईल होता है, और मैंने अपने आलमंड काट लिए हैं, आपको दिखा दिए हैं लंबे लंबे स्लाइस में काटे हैं मैंने, देखिए आप लंबे लंबे काटे हैं। और अपने अब पिस्ता भी काट लेती हूँ बारीक बारीक इस तरह से लंबे पीसेस में। और इधर मैंने अपने पिस्ता भी काट के कर लिए हैं रेडी। तो मेरे ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं एकदम कट के रेडी। मुझे यही ड्राई फ्रूट पसंद है तो मैं यही डालती हूँ। आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हो, और इसमें चिरौंजी भी डाल सकते हो, आपका जो आपका फेवरेट आपका ड्राई फ्रूट्स हो आप आराम से डाल सकते हैं। तो चेक करते हैं अपना, तो दूध में आ गया है उबाल, देखिए आपको दिखाती हूँ। दूध मेरा बॉयल होने लग गया है, देखिए दूध और बॉयल होने लग गया है। तो मैं अपने दूध में अब थोड़ा सा दूध अपने केसर में डालूंगी इसमें उबला हुआ, तो ताकि मेरा केसर एकदम कलर छोड़ जाए। देखिए डालते ही इसमें कलर आ गया, तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ ताकि तब तक मेरा केसर कलर छोड़ दे और खीर मेरी बहुत अच्छी बने इससे। और अब मैं इसमें डालूंगी अपना शुगर, तो शुगर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो मैं इसमें से 1/2 बाउल डाल देती हूँ, और मैं अपनी चीनी को मेल्ट होने तक इसे चलाऊंगी ताकि तले में मेरी चीनी नहीं जम जाए। तो मैं इसे मेल्ट कर लेती हूँ अपनी चीनी को, तो चीनी हो गई है मेरी मेल्ट। और इसमें अब मैं अपना ये फ्राइड किया हुआ मैं अपना ये मकई का ये पेस्ट डाल देती हूँ इसमें, और देखिए बहुत ही अच्छा मकई का कलर आया हुआ है एकदम, भून के बहुत अच्छी लगने लगी है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ, और मैं इसे अब इसमें पकाऊंगी जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। तो मेरी खीर हो रही है एकदम बॉयल हो रही है आराम से, तो मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। तो आधे डालूंगी इसमें आलमंड, और आधे डालूंगी इसमें काजू, और आधे डाल देती हूँ इसमें पिस्ता, और आधे में छोड़े हैं मैंने गार्निश के लिए। और इसके बाद में ये मैंने इलायची पाउडर रखा था, तो इलायची पाउडर भी डाल देती हूँ, और इसे हल्का सा अपनी खीर को मैं गाढ़ा कर लेती हूँ। ओके, तो मैं इसे थोड़ा सा गाढ़ा करूंगी अभी 2 मिनट अभी और पकाती हूँ इसे। तो खीर मेरी लगातार उबल रही है, और आपको दिखाती हूँ हर 2 मिनट बाद मैं इसे कंटिन्यू चला रही हूँ ताकि तले में ना जल जाए। और आपको दिखा देती हूँ गाढ़ा हो गया है मेरा दूध, तो मैं इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूंगी। और सबसे फाइनली इसमें मैंने जो केसर भिगोया है दूध में वो अपना केसर डाल देती हूँ, क्योंकि केसर डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू और कलर आ जाता है खीर में। और देखिए बहुत ही इसका कलर चेंज हो गया है एक साथ में, और देखिए इसे ठंडी होने के बाद में ये गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि मक्के की ये खीर है। तो मैं अपना फ्लेम कर देती हूँ बंद, इतना ही मुझे गाढ़ा चाहिए, तो फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो 3-4 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं अपनी खीर ठंडी हो गई है हमारी खीर थोड़ी थोड़ी, तो आपको दिखाती हूँ ये गाढ़ी हो गई है। और जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो आप इसे ज़्यादा गाढ़ी ना करें गैस पर। तो देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और इसकी मैं करती हूँ प्लेटिंग। तो मैं इसे एक कटोरी में पलट के आपको दिखाती हूँ कि मेरी खीर कैसे बन के रेडी हुई है। मेरा तो अभी से खाने को बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, और आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। तो मैंने पलट लिया है इसे एक कटोरी में, और आपको दिखाती हूँ। और थोड़ा सा इस पर डालती हूँ काजू इस तरह से, थोड़ा सा डालती हूँ इस पर पिस्ता। वाह वाह वाह, क्या खीर है, देखिए बहुत ही अच्छी खीर बन के रेडी हुई है। देखिए आप इसका भोग लगाइए कान्हा जी को, और फिर इसे खाइए, फिर देखिए क्या टेस्ट आता है खीर में। और आपको मेरी मकई के दाने की खीर कैसी लगी है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं करूँगी आपके कमेंट का इंतज़ार। तो आप कमेंट तो करते नहीं है बिल्कुल मुझे, तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल, अपनों का ख्याल। और देखिए मेरी खीर है एकदम लाजवाब, देखिए देखिए बहुत ही अच्छी खीर बन के रेडी हुई है। मेरा तो मन अभी से खाने का हो रहा है, तो आपसे करती हूँ मैं सीसु सीयू टाटा बाय बाय, और मैं खाती हूँ इस खीर को भोग लगाने के बाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल, अपनों का ख्याल भी।
बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय।